नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 4 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन। बिहार के नए मुख्य सचिव बने ब्रजेश मल्होत्रा। डीईओ कार्यालय में डीएलएड के परीक्षार्थियों को मिलेगा रिजल्ट। बिहार में बारिश नदी दस्तक। 5वें टेस्ट मैच से पहले सुमन गिल का वीडियो वायरल। इसके साथ ही बढ़ते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 4 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन। बिहार के 4 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन मिलेगा। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने ऊर्जा, स्वास्थ्य, ग्रामीण एवं लघु विभाग की योजनाओं का शुभारंभ किया है। सीएम ने मुख्यमंत्री कृषि समृद्ध योजना की शुरुआत की है। इसके साथ ही 4,80,000 किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने 4 ग्रिड उपकेंद्र, गया का भोरे, पटना का दिघा और मीठापुर अररिया का पलासी उपकेंद्र और 242 सर्किट किलोमीटर संचरण लाइन की शुरुआत की है। सीएम नीतीश ने ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 3,957 पदों और 3,000 पुल का शुभारंभ किया है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद राज्य के किसी भी कोने से अधिकतम 5 घंटे में पटना पहुंचना संभव हो जाएगा। डीईओ कार्यालय में डीएलएड के परीक्षार्थियों को मिलेगा रिजल्ट। डीईओ कार्यालय में डीएलएड के अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड मिलेगा। एसटीईटी 2019 और एसटीईटी 2023 के अभ्यर्थियों को अपना रिजल्ट लेने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क करना होगा। सुबह 11 बजे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। इसके लिए परीक्षा से संबंधित छाया प्रति, फोटो युक्त पहचान पत्र को अपने साथ ले जाना होगा। मालूम हो कि पटना में 80,000 अभ्यर्थियों को रिजल्ट का वितरण करना है। इसमें से 37,000 परीक्षार्थियों के बीच पहले चरण का रिजल्ट वितरित हो चुका है। वहीं जिन अभ्यर्थियों ने अब तक अपना रिजल्ट नहीं लिए हैं वो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव बने ब्रजेश मल्होत्रा। नीतीश सरकार ने साल 1989 बैच के आईएएस अधिकारी ब्रजेश मल्होत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वहीं अमीर सुबहानी ने वीआरएस ले लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंध में सूचना जारी की है। अमीर सुबहानी के वीआरएस को मंजूर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल को सुबहानी का कार्यालय समाप्त हो रहा था, लेकिन इससे पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया है। ब्रजेश मल्होत्रा के बारे में बता दें कि वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, लेकिन अब उन्हें बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इधर आईएएस अधिकारी चैतन्य प्रसाद का भी तबादला हुआ है। उन्हें कर विकास आयुक्त का जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में बारिश ने दी दस्तक। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ जमकर बारिश हुई है। मार्च के महीने में तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बारिश की संभावना बरकरार है और मौसम में अभी और बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिम और मध्य बिहार में 1-2 स्थानों पर मौसम पूर्वानुमान में ठंड की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के साथ राज्य के अलग अलग जिलों में बादलों का झुंड सक्रिय है। किसानों को मौसम विभाग की ओर से सलाह दी गई है कि वे सब्जी और गेहूं की सिंचाई को रोक सकते हैं। खेतों में जल निकासी का इंतजाम करने को भी कहा गया है। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में 3 लोग बिहार से गिरफ्तार। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में 3 लोग बिहार से गिरफ्तार किए गए हैं। भागलपुर के बाद पटना से पुलिस ने 2 सेटर को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर जक्कनपुर इलाके में छापेमारी की गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इसके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। बिहार एसटीएफ ने 2 सेटर को पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं इस मामले में अब तक 1 दर्जन सेटर को गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि 17 अप्रैल और 18 फरवरी को यूपी में पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ था। इसमें परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया था। इस मामले में बिहार में 3 सेटर गिरफ्तार हुए हैं। साइबर साथी ने ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों को बनाया शिकार। साइबर साथी ने ठगी का नया तरीका ढूंढ लिया है। साइबर बदमाशों ने ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाया है। शॉपिंग में सेव एड्रेस का प्रयोग करके ये लोग घर में फटा पुराना कपड़ा, खाली बॉक्स समेत कागज आदि भेज रहे हैं। इसकी पैकिंग ये असली सामान के डिब्बे की तरह ही करते हैं। वहीं ऑर्डर को देने से पहले ये लोगों से 10,000 रुपये तक की मांग कर रहे हैं। ऑर्डर को रिसीव नहीं करने पर मुकदमा करने और अकाउंट को ब्लॉक करने की ये धमकी देते हैं। मुजफ्फरपुर शहर में करीब 0.5 दर्जन ऐसे मामले पाए गए हैं। किसी के पास बिना ऑर्डर किए ही सामान आ रहा है तो किसी के ऑर्डर के बीच में नकली सामान आ गया है। लोगों ने साइबर क्राइम पोर्टल पर इस मामले की शिकायत की है। बीपीएससी के फर्जी शिक्षक की हुई गिरफ्तारी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य में शिक्षकों की बहाली ली गई है। इसी कड़ी में रोहतास जिले के डीओ ऑफिस में से फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि इसने 12 फरवरी को गणित टीचर के तौर पर अपना योगदान दिया था, लेकिन जांच के दौरान इसका बायोमेट्रिक मिलान नहीं हुआ है। इसके बाद इसे डीओ ऑफिस में पकड़ लिया गया है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने फर्जी शिक्षक की गिरफ्तारी को पुष्टि की है। साथ ही कहा है कि फर्जी शिक्षक के खिलाफ परिवारवाद मिला था। इसके बाद मामले की जाँच हुई है। जाँच में बायोमेट्रिक और फोटो के मिलान के दौरान इसका मिलान नहीं हुआ। फिलहाल फर्जी शिक्षक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
गया में विधायक समेत 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। बिहार के गया जिले में विधायक समेत 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले इनकी कोरोना जांच हुई थी, जिसमें इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस पदाधिकारी समेत 187 लोगों को RT-PCR टेस्ट हुई थी। इसमें विधायक समेत 6 लोग कोरोना पॉजिटिव है। इसके बाद इन लोगों को होम आइसोलेशन किया गया है। इनमें सर्दी खांसी के लक्षण पाए गए थे, बाकी सभी ठीक है, किसी अन्य परेशानी की बात नहीं कही गई है। वहीं भगत अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 36 बेड सुरक्षित है। इसमें ICU की भी व्यवस्था है, डॉक्टर और नर्स आदि एक्टिव मोड में है। इसके अलावा अस्पतालों में दवाई की भी व्यवस्था है। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलपति पर की कार्रवाई। पटना हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव पर कार्रवाई की है। इन पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही इनके वेतन को भी रोक दिया गया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के 129 समंजित कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन इन्हें भुगतान नहीं होने पर इन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने बकाया राशि के 25% के भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन विश्वविद्यालय ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कुलसचिव के खिलाफ एक्शन लिया है, इन पर जुर्माना लगाया है, साथ ही इनके वेतन पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले शिक्षा विभाग ने कुलपतियों के वेतन पर रोक लगाई थी। महागठबंधन की रैली में जा रही बस में लगी आग। मुजफ्फरपुर के नेशनल हाईवे 27 पर महागठबंधन की रैली में जा रही बस में आग लग गई। इस दौरान RJD के कार्यकर्ताओं ने कूदकर अपनी जान बचाई। ये घटना मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के नरियारपुर पानापुर के पास की है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण बस में आग लगी। इस दौरान इसमें कुल 54 लोग सवार थे, सभी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आग लगने के बाद चालक ने गाड़ी को रोक दिया था। कई लोग खिड़की का शीशा तोड़कर बस से बाहर निकले हैं, ऐसे में कुछ लोगों को चोट भी आई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद दमकल की टीम के साथ मिलकर आग पर काबू पाया गया है। बस का ड्राइवर और खलासी मौके पर फरार हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है, साथ ही कहा है कि गठबंधन बनाकर बिहार की जनता को ठगा जा रहा है। साल 2015 में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ वोट दिया था। इसके बाद 2017 में CM ने लोगों के साथ ठगी की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप फिर से इन्हें वोट कीजिएगा तो ये आप लोगों के साथ ठगी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान CM नीतीश कुमार ने कहा था कि वो अब इधर उधर नहीं जाएंगे, हमेशा NDA में ही रहेंगे। बीच में वो गायब हो गए थे। इसे लेकर प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने चिराग पासवान को RJD में आने का दिया ऑफर। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और RJD नेता तेज प्रताप यादव ने चिराग पासवान को राजद में आने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान RJD के साथ आग जाए, NDA का 2024 में सफाया हो जाएगा। दरअसल PM नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में चिराग पासवान नहीं दिखे, इसके बाद उनकी नाराजगी के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने उन्हें RJD में आने का न्योता दे दिया है, साथ ही कहा है कि महागठबंधन की रैली में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर चिराग पासवान NDA से नाराज हैं तो वो RJD के साथ आ जाए, यहाँ उनका स्वागत है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बयान, भाजपा जदयू को करेगी खात्म। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भाजपा जदयू को खत्म कर देगी। जाप सुप्रीमो ने बताया है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा का चुनाव साल 2025 में नहीं बल्कि साल 2024 में मध्यावधि चुनाव होने की आशंका है। हमारी ये कोशिश होगी कि कोसी और सीमांचल के विधायक के किसी और दल या गठबंधन की सरकार नहीं बने। पप्पू यादव ने इस बात का ऐलान किया है कि वे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे, वे इसके अलावा किसी और क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और 9 मार्च को जन अधिकार पार्टी ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में प्रणाम पूर्णिया रैली की घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने इधर उधर नहीं जाने के बयान पर नीतीश कुमार पर कसा तंज। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। नीतीश कुमार के इधर उधर नहीं जाने के बयान पर पूर्व डिप्टी CM ने कहा है कि कम से कम वो अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि वो इस बार पाला नहीं बदलेंगे, ये अच्छी बात है। मालूम हो कि CM नीतीश कुमार ने PM की रैली के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि वो अब जीवन भर के लिए NDA के साथ ही रहेंगे। उनके लिए इस बयान के लिए तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो ये बात राजद के लिए नहीं बल्कि उनके बगल में बैठे सम्राट चौधरी के लिए बता रहे थे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। 5वें टेस्ट मैच से पहले शुभमन गिल का वीडियो वायरल। इंग्लैंड बनाम भारत के 5वें टेस्ट मैच से पहले क्रिकेटर शुभमन गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वे अपने बल्ले से इतिहास रचने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोशन के बाद गिल मैदान में अकेले ही दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
सुमन गिल आगामी मैच की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अकेले ही वो मैदान में पसीना बहा रहे हैं, जिसके बाद उनसे उनके फैंस कड़ी मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मालूम हो कि रांची टेस्ट मैच में सुमन का प्रदर्शन काफी शानदार रहा था, इन्होंने 52 रनों की नाबाद पारी खेली थी। वहीं भारतीय टीम 5 मैच के इस टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सादुल्ला पालवी, गोनर शर्मा, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, पवन सिंह, गौरी कुमारी, अखिलेश यादव, वेद प्रकाश सिंह, मोहम्मद जाकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, रजनीत भारती, वैद्यनाथ ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में नरेंद्र मोदी के आने से एनडीए को क्या फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।